ओके बेटा, तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ चीजें डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू एसक्यूएल। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं लाइक डीडीएल, डीएमएल और हमारे पास डीसीएल और टीसीएल। तो आज हम कुछ कमांड्स पढ़ने जा रहे हैं डीडीएल की। तो डीडीएल के कमांड्स यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये इस तरह की हमारे पास समझ लें एसक्यूएल के अंदर क्यूरीज लिखने की क्या है एक समझ तरीका है या स्टेटमेंट है कि आप इसको यूज करते हैं टू राइट सम क्वेरीज, यानी कैटेगरी है क्वेरीज लिखने की, राइट? कि डीडीएल के कमांड हम एक नंबर ऑफ क्वेरीज की कैटेगरी को कहते हैं, जिसमें हमारी सारी कमांड सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर रही होती है, आपके टेबल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, डेटाबेस को बनाना, किसी भी चीज को क्रिएट करना या उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना, वो सारा हमारे पास डीडीएल कमांड्स के थ्रू होगा। सही है। अब उसके बाद हम डीएमएल को भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम हम रख देते हैं क्रिएट डेटाबेस, इसका नाम कर देते हैं यूनिवर्सिटी डीबी। के यूनिवर्सिटी के लिए हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। कौन से क्लियर हो गया बेटा? मैं इसको क्रिएट करता हूं यहां से। तो एक डेटाबेस जो हमारा बन चुका है लेकिन अभी तक सिलेक्टेड नहीं है, अभी तक सिलेक्टेड मास्टर है। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए आप यूज की कमांड भी यूज कर सकते हैं, यहां से आके आपको ये डेटाबेस शो हो जाएगा जो आपने अभी बनाया है यूनिवर्सिटी के नाम से, तो आप उसको यहां से भी आके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यूनिवर्सिटी डीबी शो हो रहा है, तो लिस्ट से जाके ड्रॉप डाउन से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या इसकी कमांड है वो बता देता हूं। आप लिखेंगे यूज, उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या है यूनिवर्सिटी डीबी, सिलेक्ट करेंगे और उसको आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट भी हुआ और यहां पे सिलेक्ट भी हो गया। सिलेक्ट करना इसलिए लाजमी है बेटा कि अगर आप इसके बाद जो भी नंबर ऑफ टेबल्स बनाएंगे वो बताना लाजमी है ना कि किस डेटाबेस के आप समझ लें डेटाबेस के अंदर वो टेबल्स बना रहे हैं। सही है। तो आपको उस नंबर ऑफ डेटाबेसेस में से एक डेटाबेस को चूज करना लाजमी है जिसमें नंबर ऑफ टेबल बना लिया। कौन सा क्लियर है यहां तक? राइट। अब हमें अगर कोई टेबल बनाना है तो हम उसके लिए क्रिएट कमांड को यूज करते हैं जो डीडीएल की कमांड है। क्रिएट, फिर हमें क्या करना है? क्रिएट करना है हमारे पास टेबल। टेबल का नाम मैं कर देता हूं स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए एक टेबल हो, या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखने के लिए क्या होगी? टेबल होगी। इसके अंदर हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए? तो मैं इसमें कह देता हूं एक होगी इसकी आईडी जो इंटीजर होगी। क्या होगी बेटा? इंटीजर। उसके बाद एक और कॉलम बता देते हैं जिसका नाम होगा स्टूडेंट का नाम, जो कि वर्चार होगा, यानी इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो स्ट्रिंग की आएंगी, वेरिएंट कैरेक्टर। ये हमारे पास एक डेटा टाइप है जो एसक्यूएल का डेटा टाइप कहलाता है। कौन सा क्लियर है बेटा? राइट। इसके बाद हमारे पास एक कॉलम होगा जिसको हम कहेंगे कि स्टूडेंट की एज क्या होगी, और वो भी हम इंटीजर में यहां पे दे रहे होंगे। कौन सा क्लियर है? अब इंटीजर की हम रेंज नहीं देते, जैसे आपने वर्चार की रेंज दी है इस तरह इंटीजर की रेंज नहीं देते एसक्यूएल सर्वर में। सही है, MySQL में दे सकते। उसके बाद आप यहां पे आके क्या कर सकते हैं, यहां पे आके एक चौथा कॉलम डिफाइन करेंगे कि मैं कह देता हूं स्टूडेंट की फीस क्या होगी। तो फीस ये भी इंटीजर में हम जो है यूजर से लेंगे। इसी तरह ये स्टूडेंट कहां से बिलोंग करता है, यू हैव टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा क्लियर हो गया? कि यूनिवर्सिटी में अगर इसकी एडमिशन होती है तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, आपको डिस्ट्रिक्ट बताना लाजमी। तो यू हैव टू डिफाइन अ सिटी। उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या डिफाइन करेंगे? वर्चार। और उसकी लेंथ आप 90 दें या इससे कम ज्यादा दे सकते हैं। यहां तो कौन सा क्लियर हो गया? ओके, अब उसके बाद यहां पे इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ वही क्यूरी चलानी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, क्यूरी 15 लिखी होती है, सबको सिलेक्ट करके चला रहे होते। सिलेक्शन सही होनी चाहिए कि जहां से क्यूरी स्टार्ट हुई और जहां पे एंड हुई वही क्यूरी आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका। अब अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहां से आके सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट्स इन्फो। तो आपको यहां पे जाके वो टेबल सिलेक्ट करनी है और F5 पे क्लिक कर देना। तो नीचे आपको नंबर ऑफ कॉलम दिखा रहा होगा। यहां फिर ये करो कि डेटाबेसेस में जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो, फिर डेटाबेसेस में जाओ।
यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी डीबी। उस डेटाबेस के अंदर जाएं, ये रहा, इसके अंदर टेबल्स में जाएंगे और यहां पे आपको dbo.studentsinfo मिलेगा, क्योंकि SQL सर्वर एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर तकरीबन टेबल्स एज अ ऑब्जेक्ट बन रही होती है। क्या बन रही होती है? एज अ ऑब्जेक्ट, यानी यहां पे हर वो टेबल जो भी बनती है वो एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। DBO, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर? और टेबल का नाम क्या है? DBO, सॉरी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, इसके कॉलम्स पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने कॉलम बने। तो आपको बता रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम बने बेटा, जो आपने वहां डिफाइन किए, सही। अब किसी भी कॉलम में मैंने नल वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो इसलिए वो बता रहा है कॉलम आपका आईडी है, उसमें डेटा टाइप कौन सी है, इंटीजर है, और नल वैल्यूज उसमें अलाउ है। यानी अगर आईडी के कॉलम की वैल्यू आप देते हो तब भी मर्जी, अगर आप नल वैल्यू देते हो तब भी अलाउ। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ठीक है, तो नल वैल्यूज अलाउ है, अभी हमने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, बट इन फ्यूचर वी कैन रेस्ट्रिक्ट, यू कैन से एनी कॉलम उसमें नल वैल्यूज अलाउ नहीं हो। यूजर से होता है ना, कुछ चीजें आप इनपुट से क्या एज अ मैंडेटरी ले रहे होते हैं, कुछ ऑप्शनल होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, आप फर्स्ट नेम दे दें, मिडिल नेम और लास्ट नेम ना दे तो कोई जरूरत नहीं है, होता है ना ऐसे। इसी तरह कुछ कॉलम्स के अंदर हमें डेटा देना लाजमी होता है, कुछ के अंदर कोई वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये था क्रिएट कमांड DDL से, जो हम ऑलरेडी जो है वो उसको डिफाइन कर चुके थे, और अभी हमने उसको प्रैक्टिकली देख लिया।